क्या दूरबीन के ऑपरेशन के कोई नुकसान नहीं है, क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी 100% सेफ है, उसे कोई नुकसान नहीं होने वाला और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्या? तो मैं कहूंगी कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका प्रोज एंड कॉन्स नहीं हो, यानी कि ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती जिसके सिर्फ फायदे ही फायदे, नुकसान कुछ नहीं है। डेफिनेटली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन वो बहुत कम है, इग्नोर किए जा सकते हैं या मैनेज किए जा सकते हैं। सबसे पहला जो ड्रॉबैक है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया, बता दिया कि यदि आप हार्ट पेशेंट हैं तो डेफिनेटली आपकी फिटनेस मिलना लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए थोड़ा मुश्किल है, यानी कि आपका कार्डियोलॉजिस्ट यदि आपको अलाउ करे तभी आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरा, यदि आपको फेफड़ों की प्रॉब्लम है, लंग्स की समस्या है, तो भी आपके लंग्स कॉम्प्रोमाइज होने के कारण कई बार आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए अनफिट हो जाते हैं। तीसरा, यदि आपके पेट के अंदर ट्यूबरक्लोसिस है, यानी कि आपके टीबी के कारण सारी आंतें चिपक गई है और आंत के अंदर, पेट के अंदर किसी प्रकार का कोई स्पेस नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पॉसिबल नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में चीरा लगाकर ही ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि आंतें इतनी ज्यादा चिपक जाती है कि गैस डालने के बाद पेट फूल भी जाता है तो भी हमें पेट के अंदर कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि पेट और दीवारें, पेट की दीवारें और आंतें सब कुछ आपस में बहुत गंदे तरीके से चिपका होता है, जिसमें कोई स्पेस नहीं मिल रहा होता है। तीसरा, यदि आपकी बहुत ज्यादा बड़ी गांठ है तो लेप्रोस्कोपी से हैंडल करने में तकलीफ होती है, बहुत से डॉक्टर नहीं कर पाते हैं क्योंकि इतना एक्सपर्टाइजेशन नहीं होता है, ऐसी स्थिति में आपका ऑपरेशन बहुत लंबे समय तक चलता है। तो ऐसी स्थिति में अच्छा यही होता है कि आप चीरे वाला ऑपरेशन करवा लीजिए, ताकि आपको बेहोशी की दवाई बहुत ज्यादा लंबे समय तक ना लेनी पड़े और आपकी रिकवरी फास्ट हो और साइड इफेक्ट दवाइयों का ना हो। इसके अलावा यदि आपके बच्चेदानी के अंदर बहुत सारी गांठें हैं, फाइब्रॉइड से छोटी छोटी बहुत सारी गांठें हैं, अगर हम उसको दूरबीन से निकालते हैं तो कई बार हाथ से फील नहीं होने के कारण, या कई बार बहुत छोटी छोटी गांठें जो बच्चेदानी की दीवार के अंदर होती तो उनकी छूटने की समस्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में भी यदि आप कंबाइंड ऑपरेशन के अगर अनुमति देते हैं, यानी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हमने चेक कर लिया, बड़ी गांठों को हमने लेप्रोस्कोपिक से निकाल दिया, उसके बाद में नीचे की तरफ जैसे सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है उसका छोटा, उसी की तरह छोटा सा चीरा लगाकर बच्चेदानी को बाहर निकालकर उसमें जितनी भी गांठें हैं छोटी छोटी उनको निकाल कर रिपेयर कर सकते हैं, तो इससे आपका सर्जरी भी फास्ट होगा, रिपेयर भी अच्छा होगा और आपको निशान भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो नीचे की तरफ जो निशान होता है वो पेट का नीचे का जो फोल्ड होता है, जो निशान होता है, उसी लाइन में इंसिजन लगाया जाता है, जो कि बहुत कॉस्मेटिकली बेटर होता है और खून का नुकसान नहीं होने के कारण, सर्जरी फास्ट होने के कारण रिकवरी भी फास्ट होती है। इसके अलावा कई बार बहुत सारी जब गांठें निकालते हैं तो कोई एक आध गांठ पेट के अंदर छूट सकती है, लेकिन उसका एक प्रोविजन होता है कि सारी गांठों को एक एंडो बैग होता है जो बैग के अंदर डाल के इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन किसी कारणवश यदि कहीं पे वो बैग अवेलेबल नहीं है तो ये समस्या हो सकती है। और बहुत बड़ी बड़ी गांठों को जब हम मॉर्सिलेटर से काट कर निकालते हैं और यदि वो बैग के अंदर ना किया जाए अगर कटिंग का काम, तो वो पेट के अंदर फैल सकती हैं, तो एक मुश्किल क्रिएट हो सकती है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बता रही हूं कि हर चीज का अगर समस्या है तो उसका समाधान भी अवेलेबल है, यानी कि यदि पूरी गांठ को अगर बैग के अंदर डाल के फिर काट के निकाला जाए तो उसका कोई भी हिस्सा छूटता नहीं, कटता ही नहीं, बाहर भी नहीं गिरता है और सारा का सारा एक साथ बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा यदि कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जन, यानी कि कोई भी गायनिकोलॉजिस्ट, यदि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में पूरी तरीके से ट्रेन नहीं है और उसके बाद भी सर्जरी अटेम्प्ट करता है तो कॉम्प्लिकेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है और आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग के साथ ही साथ डेडिकेशन के लिए उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी होती है, उसका अभ्यास भी करना होता है। तो जब आप पूरी तरीके से ट्रेंड हो जाए तभी आप सर्जरी करें तो मरीज के बेनिफिट में होती है। तो इस तरीके से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का थोड़ा सा लर्निंग कर्व होता है, कुछ सर्जरीज के बाद में 20-30 सर्जरी के बाद में हाथ बैठ जाता है तो प्रॉपर सर्जरीज हो जाती है। और इसके अलावा बाकी जो छोटी मोटी चीजें मैंने आपको बताई वो एक लिमिटेशन हो सकती है, बट फिर भी मैं यही कहूंगी कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज बेटर देन ओपन सर्जरी। एक सवाल और पूछा गया है कि क्या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में टाइम ज्यादा लगता है, कि हाउ मेनी आवर्स इन द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, यानी कि दूरबीन से ऑपरेशन करने में कितने घंटे लग जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है सर्जन के एक्सपर्टाइजेशन पर, यानी कि जैसे यदि हम लोग जैसे दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं और सिंपल बच्चेदानी का ऑपरेशन है, यानी कि बच्चेदानी छोटी है, नॉर्मल साइज की है और उसमें वो किसी प्रकार का कोई एंडोमेट्रियोसिस या और कोई तकलीफ नहीं है,
बस किसी कारणवश नॉर्मल साइज के यूट्रस को ब्लीडिंग ज्यादा होने के कारण निकालना पड़ रहा है, तो ये सर्जरी 15 से 20 मिनट के अंदर भी खत्म हो सकती है। लेकिन इसी 15 से 20 मिनट की सर्जरी को अगर कोई नया इंसान करता है तो 1 से 2 घंटे का टाइम भी लग जाता है। तो ये डिपेंड कर रहा है एक चीज पे, एक्सपर्टाइजेशन ऑफ डॉक्टर, के जो करने वाला डॉक्टर है वो कितना एक्सपर्ट है, उसको कितने केस करने का एक्सपीरियंस है। दूसरा बीमारी पर डिपेंड करता है, यानी कि यदि सिंपल केस है तो आधे पौने घंटे में 1 घंटे के अंदर फिनिश हो जाता है, बट यदि यही इसमें कोई बहुत बड़ी गांठ है, बहुत सारी गांठें हैं, या एंडोमेट्रियोसिस है, या पुराना कोई ऑपरेशन हो चुका है जिसकी वजह से आंतें चिपकी हुई है, या आंतें या पेशाब की थैली ये सब आपस में चिपक कर कोई बड़ा गांठ बना लिया है, कोई मांस बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में इन सब चीजों को धीरे 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 छुड़ा कर सेपरेट करके फिर सर्जरी करते हैं, तो इसलिए इसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यही सर्जरी जो आधे घंटे की 1 घंटे की सर्जरी हो, 3 से 4 घंटे पे भी चली जाती है। कई बार पहले किसी का ऑपरेशन हो चुका होता है 2 बार 3 बार और तीसरी चौथी बार फिर हम लोग कर रहे होते हैं, तो उसमें फिर और टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये कि आंतें चिपक जाती है आपस में बार बार सर्जरी होने के कारण, और एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें ऑलरेडी सब कुछ मैसअप हो रखा होता है, ब्लड क्लॉट्स जमा हो चुके होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसमें भी काफी सारा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजों को सेफ गार्ड करके आगे चलना पड़ता है। और तीसरा ये कि टाइम एक चीज पर और डिपेंड करता है कि आपके पास मशीनरी कैसी है, यानी कि यदि आपकी दूरबीन काफी अच्छी है, आपको बहुत अच्छा दिखा रही है, क्योंकि इसमें भी हर लेवल की हर क्वालिटी की दूरबीन आती है इसमें, कि आपको बहुत अच्छा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दूसरा, आपके पास जो लेजर मशीन है जिससे कि आप सीलिंग का काम करते हैं वो आपके प्रॉपर चल रही है या नहीं चल रही। तो कई बार मशीनरी डिपेंडेंट सर्जरी होने के कारण यदि कोई मशीन में कोई छोटी मोटी भी खराबी आ जाती है, अटक जाती है, तो उसके कारण भी कई बार सर्जरी में डिले हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे कि सर्जरी का जो ड्यूरेशन है वो 3 चीजों पर डिपेंड करता है, करने वाले डॉक्टर के ऊपर, उसके एक्सपर्टाइजेशन के ऊपर, मशीनरी जो आपके ओटी के ऑपरेशन थिएटर के अंदर अवेलेबल है उसके ऊपर, और तीसरा आपकी बीमारी के ऊपर। यदि आपकी बीमारी सिंपल है, करने वाला डॉक्टर एक्सपर्ट है और मशीनरी बहुत अच्छी है, तो डेफिनेटली ये सर्जरी आपकी आधे से पौने घंटे के अंदर फिनिश हो जाएगी। लेकिन यदि आपकी मशीनरी तो अच्छी है लेकिन और करने वाला डॉक्टर भी अच्छा है लेकिन बीमारी बहुत खराब है, तो डेफिनेटली फिर आपको टाइम लग जाएगा। या फिर आपकी बीमारी कम है, मशीनरी भी अच्छी है लेकिन डॉक्टर का एक्सपीरियंस कम है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और यदि डॉक्टर भी अच्छा है, एक्सपर्ट है, और बीमारी भी ठीक है लेकिन मशीनरी ही नहीं है, तो फिर अगेन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरीके से जब भी आप चूज करें, सभी चीजें देखकर फिर चूज कीजिए।